फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 3, ए टाइगर इन द जू, जिसके राइटर है लेस्ली नोरिस। क्या नाम है दोस्तों इनका? लेस्ली नोरिस। दोस्तों ना सिर्फ हम इस स्टेंजा को एक्सप्लेन करेंगे, बल्कि साथ ही साथ हम स्टेंजा से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे उसको भी हम सॉल्व करेंगे, यानी उसका आंसर करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कृपया इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए अपने आज का ये वीडियो आप स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस पूरे पोयम में कवि ये बता रहा है कि जो एक बाघ होता है उसका व्यवहार जंगल में तथा एक पिंजरे में कैसा होता है। वे इन सभी को गौर कर ये बताता है कि जैसा व्यवहार बाघ का जंगल में होता है उसके विपरीत उसका व्यवहार पिंजरे में होता है। तो आइए दोस्तों स्टेंजा को पढ़ते हैं पहले। He stalked in his vivid strips on the five steps of his cage on pairs of velvet quilt in his quilt race. इसमें पोएट कर रहा है कि एक बाघ होता है, सबसे पहले वो तो पिंजरे में होता है। यहाँ पर पिंजरे में एक बाघ है जिसके पंजे बहुत ही मखमल की तरह मुलायम है, और उस पंजों द्वारा वह stalked in his vivid strip यानी कि अपने मुलायम मखमल की जैसे पंजों द्वारा वह शान से चलता है, लेकिन उसके कुछ जो कदम है वो केवल केज यानी पिंजरे तक ही सीमित है, क्योंकि उससे उससे ज़्यादा दूर तो वो चल ही नहीं सकता। पिंजरे के अंदर तक ही उसके कदम सीमित है, इसी वजह से वो दिखने में तो शांत लग रहा है लेकिन अंदर से रेज यानी कि क्रोधित है। रेज यानी क्रोधित है, दिखने में शांत लेकिन अंदर से क्रोधित है। तो दोस्तों आइए सेकेंड स्टेंजा को देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू ए लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। इसमें पोइट कह रहा है कि जो अब बाघ है वो पिंजरे में नहीं, अब वो आ गया है फॉरेस्ट वाले बाग के पास। वहां पर देखता है वो जो बाघ है फॉरेस्ट का वो शैडो में यानी कि छाया में घात लगाए बैठा हुआ है, और नियर द वाटर होल यानी कि जो जलाशय के पास वो जो बड़ी बड़ी घासें हैं लॉन्ग ग्रास में वो क्या कर रहा है, स्लाइडिंग यानी कि सरक रहा है। देखने में तो ऐसा लग रहा है वो बाघ क्या कर रहा है, एक मोटे ताजे यानी प्लम डियर यानी मोटे ताजे हिरण पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहा है या तैयार हो चुका है। आइए सेकेंड स्टेंजा, आइए तीसरे स्टेंजा को देखते हैं। दोस्तों ही शुड बी स्नैरिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बैरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉस टेररिंग द विलेज। यानी कि इसमें कह रहा है कि जो वो जंगल वाला भाग है, अभी जंगल वाले भाग के ही पास है पोएट, वो कह रहा है कि अब जंगल वाला जो भाग है वह स्नैरिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एट यानी कि जंगल के छोर पर स्थित घरों पर वो बाघ सुड भी यानी कि घुर्रा रहा होगा, स्नैरिंग यानी घुर्रा रहा होगा। एंड बैरिंग हिज व्हाइट फॉक्स हिज क्लॉस टेररिंग द विलेज। टेररिंग मतलब होता है आतंकित कर रहा है, किसे गाँव को कैसे आतंकित कर रहा है, बैरिंग हिज व्हाइट फांग्स यानी कि अपने सफेद दांतों और अपने पंजों को दिखाकर गाँव वालों को आतंकित कर रहा है। इसकी बात है बट ही लॉकेड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड ट्रेन हिज स्टैंड बिहाइंड बार्स स्टॉल्क किंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। इसमें कह रहा है पोएट कि अब जो बाघ है वो लॉक कर यानी कि पिंजरे में बंद कर दिया गया है। अब उसका जो भी, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या था, बाघ क्या था, पिंजरे में था, लेकिन अब कवि कह रहा है कि अब जो बाहर लोगों को आतंकित कर रहा है, अब लोगों ने इसे मिलकर क्या कर दिया, लॉक कर दिया एक पिंजरे में। अब उसकी सारी ताकत पिंजरे के अंदर ही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, अब वो क्या कर रहा है, जितनी केज यानी कि पिंजरे की लंबाई है उसी लंबाई में वो क्या है, स्टॉक यानी कि चल रहा है। और इग्नोरिंग विजिटर, अब जो भी लोग आ रहे हैं उस पर वो गुर्रा नहीं रहा है, ना ही उनको आतंकित कर रहा है, उन्हें क्या कर रहा है, इग्नोर कर दे रहा है कि चोर आ रहे हैं उसके आसपास घूम रहे हैं, उनको वो इग्नोर कर रहा है। इसके बाद है लास्ट स्टेंजा दोस्तों। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड द स्टार्स हिज ब्रिलियंट आइट्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब पिंजरे में बंद हुआ जो बाघ है वो आखिरी आवाज किसकी सुनता है, रात को सोने से पहले जो भी उसके आसपास कारें जाती हैं उनकी आवाज सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स। एंड सोने से पहले वह आसमान में जो भी चमकते तारे हैं उन्हें को देखता है यानी कि घूरता है। दोस्तों इस सब के बाद हमारे ये पोएट का सारा स्टेंजा हमने पढ़ लिया है। अब आइए स्टेंजा से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे पढ़ते हैं और उसका आंसर देते हैं। दोस्तों आप बहुत ही आसानी से उस सभी का आंसर दे दोगे। आइए चलिए बिना आपके टाइम वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं।
दोस्तों पहला स्टेंज है, देखिए एग्जाम और रिटेन क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो सभी स्टेंजा को हम कर रहे हैं। तो पहले स्टेंजा से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आइए उसे आंसर करते हैं। इस स्टेंजा को तो हम पढ़ ही चुके हैं। पहला क्वेश्चन है हु वाज वॉल के इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में कौन टहल रहा है। अब हमने आपको बताया जंगल में कौन है, बाघ है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाइगर वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड टाइगर सी बट रिमेन क्विट, चीता कैसा प्रतीत होता है किंतु शांत था। दोस्तों हमने आपको बताया था चीता क्या था, क्रोधित था, लेकिन वो दिखने में शांत लग रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाइगर सीम्स रेज, यानी कि रेज का मतलब मैंने बताया था कि क्रोधित होता है, टाइगर सीम रेज बट रिमेन क्विट, यानी कि तब भी वो शांत था क्रोधित होने के बावजूद। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द केस, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि यानी कि पिंजरे में कौन है। तो हमने आपको बताया टाइगर यानी कि बाघ पिंजरे में है, इस सबके बारे में हमने कहाँ पढ़ा जो पिंजरे में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइगर हो जाएगा, हमने आपको बताया पिंजरे में टाइगर है। फोर्थ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्ट्रिप्स वर देयर ऑन टाइगर बॉडी, यानी कि कौन सी धारा है स्ट्रिप, यानी कौन सी धारा है टाइगर के शरीर पे है। तो आपको पता ही है कि टाइगर के शरीर पे विविड स्ट्रिप्स है, कौन सी धारा है, विविड स्ट्रिप्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विविड स्ट्रिप्स वर देयर ऑन टाइगर्स बॉडी। तो अब आ गया है सेकंड स्टेंजा। स्टेंजा से तो पहला प्रश्न है कि इन दिस स्टेंजा द पोएट इज टॉकिंग अबाउट विच टाइगर, यानी कि इस स्टेंजा में पोएट किस टाइगर की बात कर रहा है। तो हमने आपको बताया पहले स्टेंजा में जो पोएट था वो पिंजरे में बंद जो बाघ था उसके बारे में बात करता, लेकिन उसके बाद सेकंड स्टेंजा में वो फॉरेस्ट वाले बाघ के बारे में बात करने लगा। आप ये कैसे पहचानोगे, तो दोस्तों यहाँ पे आप साफ देख रहे हो कि स्लाइडिंग इन लॉन्ग ग्रास, यानी कि जो लॉन्ग ग्रास है वो क्या है, सरक रहा है बाघ। तो लॉन्ग ग्रास कहाँ होगा दोस्तों, जंगल में ही नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पोएट वॉज टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट टाइगर। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे, यानी कि चीता अपने शिकार के लिए कहाँ इंतजार कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नियर द वाटर होल, यानी कि जलाशय के पास ही तो वो लॉन्ग ग्रास पे घात लगाकर बैठा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियर द वाटर होल टाइगर वेट फॉर हिज प्रे। थर्ड क्वेश्चन है हु इज ही इन दिस स्टेंजा, यानी कि इस स्टेंजा में ही कौन है। दोस्तों यहाँ पर ही वह का बात क्या है, टाइगर, टाइगर की जगह वह यूज किया हुआ है कि वह सरक रहा है लॉन्ग ग्रास से, वह जलाशय के पास बैठा हुआ है। तो वह का मतलब क्या है, टाइगर के बारे में बात किया जा रहा है। तो हेयर इज ही रिफर्स टू टाइगर इन दिस स्टेंजा, ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है विच इज द रिलेटेड टू मूविंग क्विकली इन फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर जो मूविंग शांत होकर सरकना, मूविंग क्विकली चुपचाप सरकना से रिलेटेड कौन सा वर्ड है। तो यहाँ पर है शुड बी लर्किंग इन द साइगो स्लाइडिंग, यानी कि स्लाइडिंग मतलब होना है सरकना। तो यहाँ पर स्लाइडिंग है, यहाँ पर डी डी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि स्लाइडिंग मतलब भी सरकना होता है और मूविंग क्विकली यानी चुपचाप सरकना एक ही बात है, दोनों डी इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों तीसरे स्टेंजा के पास, आते हैं। पहला प्रश्न है कि द टाइगर स्नैरिंग अराउंड द हाउस एट द एज ऑफ जंगल, ट्रू इज फॉल्ट, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एक टाइगर है वो जंगल की छोर पर स्थित घरों में क्या कर रहा है, घुर्रा रहा है। यहाँ ये बात तो यहाँ पर भी लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शुड बी स्नैरिंग अराउंड हाउस एट द जंगल एज, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हु टेरराइज्ड बाय द टाइगर्स, यानी कि टाइगर द्वारा कौन आतंकित हो रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, विलेज यानी गाँव वाले आतंकित हो रहे हैं टाइगर द्वारा, यानी विलेजर्स टेरराइजिंग बाय द टाइगर्स। थर्ड क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ पोएम ए टाइगर इन द जू, यानी कि इस टाइगर इन द जू पोएम का पोएट यानी कि कवि कौन है। क्योंकि तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इस पोएट के यानी कि इस पोयम के कवि कौन है, लेस्ली नोरिस, लेस्ली नोरिस इज द पोएट ऑफ द पोयम ए टाइगर इन द जू। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द टाइगर शो द विलेजर्स, यानी कि विलेजर जो गांव वाले हैं उसको टाइगर क्या दिखा रहा था। तो अब टाइगर उनको आतंकित कर रहा था, तो आतंकित करने के लिए कुछ तो दिखाएगा दोस्तों, तो वो क्या दिखा रहा था, अपने व्हाइट फॉन्ग्स यानी कि अपने सफेद दांत और अपने पंजे दिखा रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द टाइगर शो हिज व्हाइट फॉन्ग्स एंड क्लॉज टू द विलेजर्स। इस तरह दोस्तों हमारी ये स्टेंजा भी खत्म हो गया, फोर्थ स्टेंजा है, इस तरह टू फोर क्वेश्चन है, इसके करने के बाद ये खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, द टाइगर वॉज इग्नोरिंग बाई द विजिटर, सत्य या असत्य, यानी ट्रू और फॉल्स हमें बताना है कि टाइगर क्या था, विजिटर को इग्नोर कर रहा था। अब टाइगर क्या है, लॉक कर दिया गया है कॉन्सर्ट, यानी कि पिंजरे में टाइगर को लॉक कर दिया गया है, इसलिए टाइगर क्या कर रहा है, अब उसके आसपास जो भी लोग जा रहे हैं उन्हें इग्नोर कर देना है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, यस दिस इज द राइट। सेकंड क्वेश्चन है हु इज लॉकेड इन द कॉन्सर्ट ट्रे, यानी कि इस पिंजरे में कौन बंद है, कॉन्सर्ट ट्रे
कॉन्स्ट्रेट सेल यानी पिंजरे में कौन लॉक है बंद कर दिया गया है? तो टाइगर इज लॉक इन द कॉन्स्ट्रेट सेल। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर वॉज द टायर फ्री? टायर कहाँ पर आजाद था? तो टाइगर अपने घर पर ही आजाद होगा ना, उसका घर कहाँ है? फॉरेस्ट है। तो इसका आंसर क्यों हो जाएगा? हो जाएगा द टाइगर वॉज फ्री इन फॉरेस्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट है, नेम द पोएम ऑफ द स्टेंजा। तो हमने इतना तो पढ़ लिया कि इस पोएम का नाम क्या है, हम इतना पढ़े तो हमें ये तो मालूम ही होगा ना कि इस पोयम का नाम क्या है जहां से ये स्टेंजा लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, आपने सही कहा, ए टाइगर इन द जू। तो यहाँ से दोस्तों हमारे ये सारे स्टेंजा समाप्त होते हैं। आशा है आपने भी हमारे सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से मजे लेकर सॉल्व किया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो आने वाली और भी चैप्टर की वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए, इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर ले। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।